सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा का आज तीसरा दिन है। परसों यह यात्रा राजधानी जयपुर में प्रवेश करेगी। कोशिश है कि एक बार फिर से पायलट कैंप की तरफ से बड़ा जन सैलाब राजधानी जयपुर में देखने को मिले। शांति धारीवाल का पानी पिलाने वाला जो डायलॉग है राजस्थान की सियासत में लगातार चर्चा में बना हुआ है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मोर्चा खोल दिया है। अब सचिन पायलट का भी शांति धारीवाल के उस बयान पर प्रतिक्रिया देखने को मिली है। बात जब पायलट से शुरू हुई है तो चर्चा थी कि जब तक कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक पार्टी को सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो अंदरूनी कलह चल रही है उस पर डिस्टर्ब ना किया जाए। पर्दा अब कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट से भी उठ चुका है। अब संभावनाएं कैसी है, सचिन पायलट को लेकर क्या फैसला कांग्रेस में होने वाला है, वसुंधरा राजे हनुमान बेनीवाल किसका क्या स्टेप, राजस्थान की सियासत से जुड़े तमाम मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप विदावत के साथ में चर्चा करेंगे। नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र किलानत। प्रदीप जी, बात यह थी कि बात को पर्दे में रहने दिया जाए। पर्दा हट चुका है, कर्नाटक का रिजल्ट आ चुका है। आलाकमान से ऐसे संकेत थे कि जब तक कर्नाटक का रिजल्ट नहीं आ जाता पार्टी डिस्टर्ब होना नहीं चाहती। सचिन पायलट ग्राउंड पे है, परसों के दिन राजधानी जयपुर में प्रवेश करेंगे। एक बड़ा जन सैलाब दिखाने की तैयारी एक बार फिर से पायलट कैंप की तरफ से है। पानी वाले बयान पर फिर से उनका कमिटमेंट आ गया है, क्या लग रहा है? देखिए, अभी राजस्थान बिल्कुल विलोड़ित अवस्था में है। बड़ा आप जो कह रहे हैं कि पार्टी कोई किसी तरह का विवाद नहीं चाहती, जबकि विवाद तो है कांग्रेस में और खुले तौर पे है। अशोक गहलोत ने बड़े बड़े लोगों को पानी पिला दिया है, यह बयान शांति धारीवाल का था, फिर उस पर प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान आया। सचिन पायलट ने कहा है कि पानी तो जनता पिलाएगी जी। वो जनता जो 50 डिग्री से थोड़ा कम आसपास वाले तापमान में पेयजल संकट से जूझ रही है, 40-45 डिग्री के तापमान में सैकड़ों की संख्या में लोग सचिन पायलट के साथ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच को लेकर पैदल चल रहे हैं और उनसे लोग जुड़ रहे हैं, ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो किसी दल के सदस्य नहीं, ये देखने वाली बात है। तेज धूप में साथ चलने वाले लोगों में एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, प्रधान वाले लोग नहीं है, ये लोग कौन है जो चल रहे हैं? क्या इनको टिकट चाहिए? अगर इतने लोग, हजारों की संख्या में अगर लोग हैं जो इससे अटैच हो रहे हैं तो वो क्या चाहते हैं? सचिन पायलट ने भी ये कहा है कि मैं एक जो भ्रष्टाचार का इशू है आरपीएससी से उन्होंने शुरू किया और उन्होंने कहा कि मैं इस पे अपनी बात रखना चाहता हूं और डेमोक्रेसी का ये एक तरीका है। तो उन्होंने मिक्सअप किया है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वाला पैटर्न लिया है और उसके अलावा जनता की बात को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इस पे आप हनुमान बेनीवाल का जो बयान आया, हनुमान बेनीवाल पहले कह रहे थे पायलट जब पार्टी बनाएंगे तो साथ दूंगा, लेकिन सचिन पायलट ने हनुमान बेनीवाल के बयान का कोई जवाब नहीं दिया। सचिन पायलट ने जब ये एक्ट शुरू किया तो हनुमान बेनीवाल के सुर थोड़े से बदले हुए हैं। उनका एक वीडियो जारी हुआ, उनका कहना है कि पायलट पार्टी छोड़े और अपनी पार्टी बनाए। तो पायलट क्या करेंगे ये अभी अकुलाहट छटपटाहट सभी में है, लेकिन यह माना जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस कोई फैसला ले सकती है जी। इसमें अब क्या वो पायलट को नोटिस देगी या वो एक बार फिर से कोई कोशिश करेगी, क्योंकि कोशिश करेगा कौन? सबसे बड़े पद पे खड़गे हैं, उनकी कोशिशें कैसी कामयाब हुई, 25 सितंबर को पूरा राजस्थान, पूरा देश देख चुका है। रंधावा के लिए पायलट साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो अशोक गहलोत, डोटासरा और एक ही ग्रुप है। जिस तरह से उन्होंने एक बीच में 1-to-1 वाला एक प्रहसन रचा था जिसमें कई एमएलए ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, और कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में बहुत विकट है। कर्नाटक चुनाव से आप खुश हो सकते हैं, कर्नाटक चुनाव में अशोक गहलोत जहां प्रचार करने गए, जिन इलाकों में गए, वहां परिणाम क्या रहा ये देखने वाली बात है। और उनका वसुंधरा राजे को यह कहना कि उन्होंने हमारी मदद की थी सरकार बचाने में, नरेंद्र मोदी और उनका जो संवाद हुआ है, अपने संवाद उसके बाद के जो चर्चाएं शुरू हुई हैं, अशोक गहलोत खुद आज हरियाणा और उस इलाके में महंगाई राहत कैंप को लेके सक्रिय हैं। लेकिन मेरे एक चीज ये समझ में नहीं आ रही है कि इतनी धूप में लोग अपना काम खराब करके, समय खराब करके अगर राहत लेने जा रहे हैं तो सरकार, क्योंकि आजकल सारा डिजिटलाइजेशन है, फिर या तो आपका डिजिटलाइजेशन खराब है, वो व्यवस्था ठीक नहीं है, आम जन तक सरकार नहीं पहुंच रही है, जबकि दावा यह था कि सरकार पहुंचेगी, अब वो भी जनता को धक्के खाने हैं, इंस्पेक्टर राज से रूबरू होना है
और परेशान होना है। टीवी में जो दिख रहा है, मीडिया में जो दिख रहा है, वो गुलाबी गुलाबी सा दिख रहा है। पेड प्रचार है डिजाइंड बॉक्स नाम की कंपनी को, जो आईटी डिपार्टमेंट से जो बड़ा बजट दिया गया है, उस बजट से दिल्ली में भी चमक लाई गई है चेहरे पे, और राजस्थान में भी सब कुछ गुलाबी गुलाबी किया गया है, लेकिन जनता इस चीज को जान रही है निश्चित तौर पर। कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत मिलना कैसे देखते हैं आप? सचिन पायलट के लिए ये सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है? यहाँ से पायलट बैक फुट पे जाएंगे या फिर फ्रंट पे आएंगे? कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूँ। सचिन पायलट अपनी राह चुन चुके हैं, ठीक है। अगर वो अलग पार्टी बनाते हैं तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि उम्र उनके साथ है। अशोक गहलोत एक चुनाव 5 साल और खींच सकते हैं किसी भी तरह की अपनी तमाम कोशिशें, जिनको वो जादूगरी कहते हैं उनसे, लेकिन सचिन पायलट के साथ उम्र है और युवा वर्ग है। यूथ कांग्रेस का रिजल्ट आप देखिए। लेकिन यूथ कांग्रेस वाले भी एक बड़ा खेल है। इन्होंने ये कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से जो जीतेगा उसके बाद एक इंटरव्यू होगा और अध्यक्ष वही बनेगा जिसको सीएम चाहेंगे। तो ये इंटरव्यू वाला पेज फंसा के आपने डेमोक्रेटिक व्यवस्था को, कल को ये हो जाए कि आप एमएलए बने हैं और एमएलए बनने के बाद आपने वोट तो ले लिए, लेकिन आपका एक इंटरव्यू होगा और वो इंटरव्यू मौजूदा प्राइम मिनिस्टर लेंगे या मौजूदा मुख्यमंत्री लेंगे। यूथ कांग्रेस का इंटरव्यू कौन लेगा? यूथ कांग्रेस का इंटरव्यू इनका एक सेटअप किया हुआ है। बड़े सवाल है कि आपने इतने महीनों तक तो रिजल्ट रोका, आधे के आसपास वोट खारिज किए, ऑनलाइन वोटिंग में वोट कैसे खारिज हुए ये समझ में नहीं आया। शायद 10 सेकंड का एक वीडियो बनाना था वगैरह, हो सकता है टेक्निकली कुछ फॉल्ट रहे हो, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसमें पूरा पैनल जो जीत जा रहा है जो बड़े पदों पे, वो पायलट गुट के लोग सर्वाधिक है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान अभी भी अपनी स्थिति नहीं समझना चाह रहा, और अगर वो डिजाइंड बॉक्स नाम की एक कंपनी के द्वारा दिखाए गए सब कुछ गुलाबी गुलाबी को ही अगर वो ढंग से देख रहा है तो निश्चित तौर पे ये उनका एक बड़ा फेल्योर है। वैसा ही फेल्योर जैसा फेल्योर उनका 25 सितंबर को हुआ था, वैसा ही फेल्योर जैसा उनका मानेसर के वक्त हुआ था, चाहे वो गलती किसी की रही हो। सरकार भी गुलाबी शहर में बैठती है, गुलाबी शहर में बैठकर शायद गुलाबी गुलाबी देखना चाहते हैं जी। वो गुलाबी आपके हमारे जैसे आम लोगों के खून पसीने की मेहनत की कमाई का पैसा है। डिजाइंड बॉक्स खुश होंगी, क्योंकि खुश तो बहुत होंगी आज, क्योंकि डीके शिवकुमार जिनका उन्होंने कैंपेन किया था, अब वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं उनके चेले चपाटे चमचे जो भी ले जाए गए थे हवाई यात्रा में बेंगलोर, उन्होंने ट्वीट करना शुरू किया है कि साहब डिजाइन बॉक्स ने कर्नाटक चुनाव जिताया, जबकि डिजाइन बॉक्स का काम सिर्फ और सिर्फ डीके शिवकुमार का फेस वैल्यू क्रिएट करना, उसमें वो सफल रहा है, लेकिन वो इस नाते उनके ऊपर खर्च किए जा रहे पैसे का वो जो है वो उसको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। खैर ये इतर बातें हैं, लेकिन राजस्थान में कर्नाटक चुनाव ने ये तय कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा, अब वो वसुंधरा राजे को इग्नोर नहीं कर सकते, और इग्नोर नहीं वो उनको प्रभावी भूमिका में उनको लाना पड़ेगा, सब तमाम चेहरों को, न केवल राजस्थान में वसुंधरा राजे अपितु छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, अपितु आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और उनकी पूरी टीम को एक्टिव करना होगा। सिर्फ मोदी के चेहरे पे मौजूदा यूथ जो है, इवन रूरल एरिया में, कर्नाटक में रूरल एरिया में बीजेपी जो आंध्र प्रदेश से सटा हुआ इलाका था, खास करके महाराष्ट्र से मराठा बेल्ट जो था, जहां पे बड़ी संख्या में भाजपा के वोटर थे, वो डिक्लाइन हुए और बीजेपी सरकार गंवा बैठी, ऐसा राजस्थान में उनको सरकार पानी है, छत्तीसगढ़ में चुनाव, मध्य प्रदेश में चुनाव, हिंदी पट्टी का जो बेल्ट बनता है वो भारतीय जनता पार्टी का एक। ऐसी कोई खबर मीडिया में नहीं है ये कि सुखजिंदर सिंह रंधावा कितने तारीख को जयपुर पहुंचेंगे, ऐसा कोई मूवमेंट होता है तो खबर आ जाती है, पायलट टेंशन करते हैं तो खबर आ जाती है। अभी एक दो दिन जश्न चलेगा जी कांग्रेस का, लंबे समय बाद फिर खींचतान होगी कांग्रेस में, जहां भी सरकार बनी हिमाचल में भी बने तो खींचतान होगी, सुखू सीएम बनेंगे या प्रतिभा सिंह बनेंगी, उसी तरह से राजस्थान में जैसे पायलट बनेंगे या गहलोत बनेंगे, छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा, बघेल बनेंगे या दूसरा कोई बनेगा, ये वहां मध्य प्रदेश में कौन बनेगा, ज्योतिरादित्य बनेंगे या कमलनाथ बनेंगे, ये कांग्रेस का सेट पैटर्न है। तो कर्नाटक में बकायदा उन्होंने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, प्रभावी बहुमत हासिल किया है, लेकिन ये खींचतान तो वहां भी चलेगी, सिद्धारमैया बनेंगे या ये बनेंगे डीके शिवकुमार। डीके शिवकुमार चूंकि एक्टिंग प्रदेशाध्यक्ष है और एक्टिंग प्रदेशाध्यक्ष को सीएम बनाने की परंपरा कांग्रेस ने राजस्थान ही से भंग की है, सचिन पायलट को नहीं बना के, ऐसे में वहां भी ये संख्या अगर 115 के आसपास रह जाती तो बीजेपी उसमें खेल कर जाती, उन्हें 40 के आसपास विधायक अपने पक्ष में करने होते और फिर वो जिसको सीएम नहीं बनाया जा रहा है उससे वो एक खेल कर सकती थी, लेकिन जनता ने पूरा मैंडेट दिया, एक बड़ा वोट बैंक का अंतर रखा है जिसमें तीसरी पार्टी जेडीएस है,
तो स्पष्ट बहुमत है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा कुछ करने को नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक सबक लेने का मौका है कि वो राजस्थान में अपनी जड़ें, जो जातीय समीकरण है, उनको साधे। कांग्रेस वहां पे अपना पूरा मूल वोट बैंक, इवन एसटी में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है कर्नाटक में, राजस्थान में एससी एसटी और माइनॉरिटी के जो वोट्स हैं, माइनॉरिटी का वोट कंप्लीटली अगेंस्ट है। बड़ा चेहरा आपके पास यूनुस खान था, बड़ा चेहरा आपके पास हबीबुर रहमान था, नागौर में आपसे वो छिटक चुके हैं। यूनुस खान बिल्कुल किनारे हैं, साइड किए गए हैं। बीजेपी को चाहिए कि अब वो उन्हें साथ ले और अब ऐसा कैंपेन रचे जिसमें सरकार लाना प्राथमिकता हो, न कि किसी मुख्यमंत्री उसको बनाना जो आला कमान तय करे। कर्नाटक से कांग्रेस का बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस पायलट के कॉन्फिडेंस को तोड़ेगा या अप करेगा? देखिए, कांग्रेस का कॉन्फिडेंस तो बढ़ा है। खड़गे के सीएम बनने के बाद तीन बड़े राज्यों में चुनाव हुए जिसमें से दो कांग्रेस ने जीते, चीफ बनने के बाद खड़गे जी, गुजरात के अलावा हिमाचल और कर्नाटक। तो खड़गे का कद निश्चित तौर पर बढ़ा है। ये भी कहा जा रहा है कि अलग अलग तरह के र्यूमर्स है कि खड़गे को वहां के कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए खड़गे को सीएम बना दिया जाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बनाया जाए, राजस्थान में कुछ बदलाव किया जाए, ये भी एक चल रहा है। लेकिन कितना सच है, क्योंकि पायलट जो है वो बड़ा आत्मिक रूप से आहत जरूर है, लेकिन अगर उनको सीएम की कुर्सी और प्रदेशाध्यक्ष वाला पूरा राजस्थान अगर सौंपा जाता है तो वो कुछ करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस अभी तक पायलट ने छोड़ी नहीं। ऐसे में कांग्रेस एक बार मंथन करेगी कि वो सचिन पायलट को छोड़ दे। अगर वो सचिन पायलट को निकालती हैं तो सचिन पायलट का बहुत बड़ा फायदा होगा उससे, क्योंकि पूर्व कांग्रेस का जो नीचे लेवल तक का कैडर है वहां सचिन पायलट के लोग हैं। कांग्रेस अभी तक जिलाध्यक्ष डिसाइड नहीं कर पाई, तो एक्टिंग जिलाध्यक्ष के तौर पर या निवर्तमान जिलाध्यक्ष के तौर पर जो काम कर रहे हैं वो सब पायलट गुट के लोग हैं। दूसरी चीज, सचिन पायलट युवा है, प्रशांत किशोर की टीम किसके लिए काम कर रही है ये पता नहीं, लेकिन फायदा अल्टीमेटली इसी वैसा ही सवाल बन चुका है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। पीके किसके लिए काम कर रहे हैं राजस्थान में, परिवर्तन की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, परिवर्तन तो अब कांग्रेस को हटा के ही होगा ना, परिवर्तन तो, या फिर जो वो ये कह रहे हैं 25 साल का जो गठजोड़ है इसको खत्म किया जाए। तो ये तमाम जो चीजें हैं राजस्थान के चुनाव को लेके बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आम आदमी पार्टी कर्नाटक में फिर सलट गई है, जालंधर में उन्होंने एमपी की सीट कब्जा ली, लेकिन वो राजस्थान में कैसे एंट्री करेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनका जो कोर वोट है उसका मुद्दा है भ्रष्टाचार, वो सिलेबस सचिन पायलट ने उठा रखा है। ऐसे में उनकी चुप्पी, उनका मौन, उनकी खामोशी समझ से परे हैं। अभी तक संगठन में भी ऐसे कोई प्रभावी लोग आए नहीं जिनका अपना एक चेहरा हो, अपनी एक आइडेंटिफिकेशन हो, जो मास अपील रखते हो। और अपील और भीड़ के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते, कास्ट इक्वेशन के बिना चुनाव नहीं जीत सकते। बीजेपी ने अपना मूल कास्ट वोट बैंक जो सिद्धारमैया के शासनकाल के बाद में लिंगायत जैसे उनसे जुड़े येदियुरप्पा के माध्यम से, तो लिंगायतों को खो के बीजेपी ने बड़ा नुकसान खोया है, बड़ा नुकसान किया है अपना। एक बड़ी भीड़ जुटाने की तैयारी राजधानी में की जा रही है। परसों सचिन पायलट की जो जनसंघर्ष यात्रा है जी 15 मई को जी राजधानी जयपुर में पहुंचेगी, क्या मायने आप देखते हैं कि? देखिए, दो बड़े इवेंट ध्यान में, एक भैरव सिंह शेखावत की जो शताब्दी वर्ष ऐसा कुछ मई जन्म शताब्दी जी, उसमें राजनाथ सिंह जी अमित शाह के आने का कुछ ऐसा भी बन रहा है, और ये भी इवेंट है, तो इवेंट्स की श्रृंखला चल पड़ी है। लेकिन ये सचिन पायलट वाला किसी पार्टी का इवेंट नहीं है, इंडिविजुअल इवेंट पार्टी का बैनर नहीं है, पार्टी के लोग नहीं है, पर यह माना जा रहा है कि सचिन पायलट की यात्रा जब यहां एंटर करेगी तो सचिन पायलट को सपोर्ट करने वाले जनप्रतिनिधि उनका स्वागत करेंगे। ये एक बड़ा देखने को मिलेगा आपको राजस्थान के अंदर। और हनुमान बेनीवाल और वसुंधरा राजे की दावत लगातार जारी है, वसुंधरा राजे को लेकर हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ा बयान दिया है, नागौर में हनुमान बेनीवाल ने उनके जो स्पीच है उनका जवाब दिया और ये कहा है कि मैंने छाती पर पांव रखकर, छाती ठोक कर मैंने गठबंधन किया था, गठबंधन तोड़ दिया। हनुमान बेनीवाल अपने अलहदा अनूठे अंदाज में आज भी अपने स्वैग के साथ कायम है। एक बंदे ने हनुमान बेनीवाल का नाम और फोटो लगाते हुए शादी का कार्ड छपवा दिया, तो वायरल है, सरकारी कर्मचारी था ये, एक दीवानगी का आलम है। और भावुक लोग जो है वो उम्मीद देखते हैं युवाओं में, हनुमान बेनीवाल जिनकी पार्टी का दर्जा राज्य स्तर का भी नहीं है, स्टेट पार्टी का दर्जा, लेकिन उनका जो लोगों के दिलों में जो दर्जा है, उन्होंने जिस तरह से एससी एसटी को साथ लिया है, इवन दूसरे वर्ग के लोगों को जिस तरह से वो जोड़ रहे हैं, ऐसे में वो कुछ कमाल तो करेंगे। देखना यह है कि आगे जाके ये ध्रुव, क्योंकि अब ध्रुवीकरण बहुत हो गया है, पायलट का अलग ग्रुप है, सचिन पायलट के अलावा किरोड़ी मीणा अभी चुप, अभी तो खामोश है लेकिन उनका एक अलग अंदाज है,
फिर आपके ये देखिए वसुंधरा राजे बीजेपी से अलग थलग सी नजर आ रही है, बीजेपी कांग्रेस आम आदमी देव सिंह भाटी अब एक सीट तक लगभग सिमट के रह गए हैं कोलायत तक, लेकिन वो प्रभावित तो करेंगे। बीकानेर में वो लगातार अर्जुन मेघवाल से भिड़ रहे हैं, लगातार भिड़ रहे हैं। बीकानेर के अलावा नोखा में भी उनका प्रभाव, खजवाला सीट पे उनका। और वसुंधरा राजे को एक बार फिर से ऐसी बातें आ रही हैं सिरोही आबू की सभा के बाद में कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है। मुझे याद है कि वसुंधरा राजे का कद फिलहाल पार्टी में क्या रह गया है, भाजपा के जो पार्टी है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है पार्टी की जी, और वसुंधरा राजे ग्रुप के जो लोग हैं जो उनके समय में मंत्री रहे, उनके समय में बड़े पदों पे रहे, वो अभी ज्यादा बोल नहीं रहे, खामोश हैं। घर वापसी का सबसे बड़ा प्रश्न है प्रदीप जी, सुरेंद्र गोयल हैं उसमें, देवी सिंह भाटी उनकी पार्टी के अगेंस्ट चुनाव लड़ चुके, बहुत कम वोट आए उनके, और वो उनका लगभग है कि वसुंधरा राजे की सदारत में वो पार्टी में वापसी तक नहीं कर पा रहे हैं। देवी सिंह भाटी की पार्टी वापसी को लेकर एक बड़ा पेज फंसा हुआ है, अर्जुन मेघवाल उसके बीच में आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा है कि भाजपा वसुंधरा राजे की वर्तमान में कितनी कद्र कर रही है, कितनी बात उनकी सुनी जा रही है, कितनी बात उनकी समझी जा रही है। वो अपने ग्रुप के जो लोग हैं, अपने पार्टी के जो लोग हैं, भंवर सिंह पलाड़ा अलग पार्टी बनाने की घोषणा कर चुके हैं, अगर पलाड़ा को नहीं साधा गया तो पूरे अजमेर संभाग के नतीजों को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकते हैं। जो है परिणाम, मुझे ऐसा लगता नहीं, बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनमें साफ तौर पर देखने को आया कि मसूदा जिस सीट से वो लड़ते रहे हैं वहां उनको लेके एक बड़ी नाराजगी पनपी है, लेकिन चूंकि पलाड़ा उसे साध सकते हैं, पलाड़ा का प्रभाव रहा है, उनकी पत्नी जिला प्रमुख रही है, वो विधायक भी रही है, ऐसे में देखने वाली बात है। पिछले जिला प्रमुख चुनाव में जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस दोनों को पंचायत राज का चुनाव अलग तरीके का होता है, अलग टेस्ट का होता है, स्टेट निर्वाचन आयोग का मामला होता है, जिसकी सरकार होती है वो प्रभाव रहता है उसमें, लेकिन जब लेजिस्लेशन के चुनाव होते हैं एमपी और एमएलए के, वो बिल्कुल अलग टेस्ट अलग स्वैग के साथ होते हैं जी। तो और आप ये देखिए कि हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे, एआईएमआईएम, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, इतने ध्रुव आपको देखने को मिल रहे हैं अभी, किरोड़ी मीणा भी। अब ये ध्रुव आपस में मिलते हैं, कौन सा ध्रुव, सारे अलग अलग रहेंगे, ये राजस्थान के चुनाव को आप आने वाले दिनों में अलग अलग तरीके से देखेंगे। ऐसा पहली बार, पिछली बार ऐसा नहीं था, उससे पिछली बार भी ऐसा नहीं था, बहुत पहले ऐसा था जब नई पीढ़ी राजनीति में एंटर कर रही थी, मैंने 89 के चुनाव को आपका जिक्र किया, तो ये हर 20-30 साल में ये स्थिति आती है, इस बार भी ये स्थिति है, और ये जो जीतेगा वो अगले 20-30 साल तक सत्ता या विपक्ष में प्रमुख भूमिका में रहेगा जी। और हनुमान बेनीवाल को लेकर फिलहाल वो पूरी तरह से खामोश हैं, खामोश नहीं, वो एक्टिव हैं, वो कार्यक्रमों में जा रहे हैं, उसके अलावा वो बयान दिए उन्होंने पॉलिटिकली, वसुंधरा राजे को लेकर बयान दिया, सचिन पायलट को लेकर उन्होंने बयान दिया, तो हनुमान बेनीवाल तो अपने अंदाज और अपने स्टाइल के साथ एक्टिव हैं, सचिन पायलट एक्टिव है, वसुंधरा राजे एक्टिव है, अनएक्टिव में आप एआईएमआईएम को मान सकते हैं और आम आदमी पार्टी को, सभी लोग हैं। बड़ा नुकसान कर्नाटक चुनाव में एक बार फिर से ओबीसी की, जो एक चीज समझ में आने वाली बात है कि ये जो एक पार्टी है जो कि सत्ता में है वो बिल्कुल इनएक्टिव है, कांग्रेस का कोई इवेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा, चाहे महंगाई राहत कैंप, महंगाई राहत कैंप सरकार का इवेंट है, है ना, तो उसमें कांग्रेस का कोई बड़ा इवेंट आपको देखने को अब नहीं मिल रहा कि आप पेयजल सप्लाई के नाम पे कर रहे, जबकि पहले ऐसा था कांग्रेस जब सत्ता में थी तो सेवा दल लगातार काम करता था, वो कांग्रेस ने अपना काडर जो है वो राजस्थान में उनको नए सिरे से बनाना पड़ेगा, कांग्रेस काम करने की स्थिति में नहीं क्योंकि जिला कार्यकारिणी अभी तक प्रभावी नहीं हो पाई, ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा होगी, जिलाध्यक्ष घोषित नहीं हुए, ऐसे में कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं। प्रताप सिंह कचरेवास का यह है कि वो किसी भी खेमे से बल्लेबाजी करें लेकिन फ्रंट पे करते हैं, एक बार फिर से उन्होंने बैटिंग कर दी है, शांति धारीवाल को गजब का जवाब दिया है कि ये डायलॉगबाजी मुझे पसंद नहीं है, पानी पिलाने वाला जो पूरा मुद्दा था, तो एक बार फिर प्रताप सिंह खाचरेवास, देखिए शांति धारीवाल नंबर टू की भूमिका है अशोक गहलोत की गवर्नमेंट में, प्रताप सिंह खाचरेवास के बयानों से उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, शांति धारीवाल इतना दम रखते हैं कि वो राजस्थान की विधानसभा में महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी कर जाए, बाद में माफी मांग के एकदम संजीदगी से, शांति धारीवाल एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं मौजूदा सरकार में जो दो पदों पे है, आवासन मंजूरी के अध्यक्ष भी हैं और मंत्री भी हैं, मंत्री भी एक विभाग के नहीं, वो स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री हैं, वो जो पार्लियामेंट्री जो डिपार्टमेंट है उनके मंत्री हैं, तो ये शांति धारीवाल शांति धारीवाल है, प्रताप सिंह का बयान शांति धारीवाल के कद को कहीं छूता भी नहीं है जिस तरह से उनका, क्योंकि वो जो पूरा विधायन है अशोक गहलोत सरकार का उसको लीड करते हैं, प्रताप सिंह का कद निश्चित तौर पर दूसरा जो कैबिनेट रिफर्शफल हुआ उसमें कम किया है अशोक गहलोत ने, तो ये साफ नजर आता है कि उनके बयान आए हैं, यूं तो राजेंद्र घुड़ा भी खूब बयान देते हैं,
भरत सिंह कुंदनपुर मंत्री नहीं है लेकिन वो बयान देते हैं। तो दिव्या मदेरणा ने भी एक बड़ा सा दिव्या मदेरणा एक्टिव है, लेकिन दिव्या मदेरणा को लेके ये कहा जा रहा है कि उन्हें लगातार साइडलाइन किया जा रहा है, उनको लेके एक बड़ा अपडेट आपको शीघ्र ही देंगे। एक बदलाव आपको मदेरणा फैमिली की ओर से देखने को मिल सकता है, उस पर अपन आपको बहुत ही स्कूप जल्दी देंगे जी बड़ा जी जी। तो राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों पर आज हमने चर्चा की, कल जैसे ही राजस्थान की सियासत का मौसम बदलेगा आपके साथ चर्चा में फिर जुड़ेंगे। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए देखते रहिए थिंक 360। धन्यवाद।